मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे टू। अब सनग्लास सुबह से लगाना पड़ा क्योंकि बहुत तेज सनलाइट है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, खैर अब तो खैर 1:30 के आसपास हो गए, बट इतनी बढ़िया धूप है, जो जिसके लिए हम आए थे वही हो गया। धूप बहुत बढ़िया ब्राइट है, और जैसे आपने सुबह जो मतलब पिछला फ्रेम था उसमें देखा कि टाइम लैप्स में कितना अच्छा सनराइज हुआ। पूरी जो हिमालय रेंज है जिसमें नंदा देवी पीक्स, चौखंबा, त्रिशूल पीक, वो सारी कैसी ग्लो हुई जब उसमें सनरेज पड़ी। ये देखिए पूरी वैली, जो पूरी हिमालय रेंज है, स्टार्टिंग विद त्रिशूल पीक और उसके बाद आपकी चौखंबा पीक्स है, देन आपकी राइट साइड में आएंगे तो नंदा देवी पीक्स। आई थिंक इसमें एक दो और है जो मुझे नहीं पता, तो अगर आपको पता है तो कमेंट में डाल देना। फ्रेंड्स, प्लान ये है कि अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर देंगे और अराउंड 9:30 ब्रेकफास्ट करके यहाँ से जाएंगे बागेश्वर और जाएंगे बैजनाथ। बैजनाथ में टेंपल है, बागेश्वर भी टेंपल है, और आई थिंक गांधी आश्रम भी है यहाँ पास में, वहाँ भी जाएंगे और दिन तक अपना लंच बाहर करेंगे एंड देन शाम तक अपना वापस आ जाएंगे ताकि सनसेट भी रिकॉर्ड कर सके। ट्राई करूँगा सनसेट का हाइपरलैप्स बनाने की, टाइम लैप्स बनाने की, और वीडियो के एंड में डाल दूंगा डे टू के एंड में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो पीछे ताला लगाया जा रहा है तो तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट ऑर्डर हमने ऑलरेडी कर दिया था और अब नीचे क्योंकि ब्रेकफास्ट यार इधर से चलना है, वो स्टिक उठानी है तो स्टिक गिर गई ना, वो तो ब्रेकफास्ट उठा लेंगे। है वो सीढ़ी है, अरे है सीढ़ी मेरे भाई। देखो दोस्तों, ये है कॉटेजेस ऊपर जिसमें हम ठहरे हुए, और ये मेरा अच्छा दोस्त भला आदमी, वो स्टिक गिर गई थी ऊपर, वो अपने आप जाके ले आया बिना बोले। तो ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपकी केयर करते हैं। थैंक यू मेरे भाई। ये कुंदन जी हैं केयर टेकर यहाँ के, ये पूरा ध्यान रख रहे हैं हमारा। ब्रेकफास्ट हैज अराइव्ड, हमने खाना भी शुरू कर दिया है। अब हम निकल रहे हैं बैजनाथ के लिए, ब्रेकफास्ट डन। बैजनाथ और बागेश्वर जा रहे हैं घूमने। तो बैजनाथ तो टेंपल है, बागेश्वर में टेंपल है, वहाँ जाके गांधी आश्रम और कुछ और लोकल अच्छी लोकेशन मिली तो वहाँ उसको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम बैजनाथ टेंपल, बट अभी हम फिलहाल पहुंचे हैं पार्किंग में, और पार्किंग जो है इसकी बहुत ह्यूज है। तो पार्किंग के रास्ते से हम पहुंच गए हैं झील के पास। तो लो झील का नज़ारा, ये देखो जी आर्टिफिशियल, वो मिनी डैम है और आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है ये, और बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे। पास अंदर चलते हैं तो जो आर्किटेक्चर है ना, अगर जैसे आप लोगों ने सॉरी जो आर्किटेक्चर है, अगर आपने देखा होगा जागेश्वर धाम या और भी मंदिर है ना इधर कुमाऊं साइड में, तो सेम आर्किटेक्चर है, सेम तरह का स्टोन यूज़ किया है, बट फिर भी हर मंदिर अपने में यूनिक है, पुरानी कहानी है इसका। तो हम भी अंदर चलते हैं और मंदिर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो आ गए मंदिर के अंदर हम, ये देखिए। तो स्टार्टिंग में गणेश मंदिर है, उसके बाद शिव मंदिर है, और एक ये मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, और ये मेन वैद्यनाथ जी मंदिर। तो मेन मंदिर ये है वैद्यनाथ जी, और इसमें बीच में माँ पार्वती की मूर्ति है और शिव जी की और शिवलिंग है। तो अभी शिवलिंग पे घी का लेप लगा रखा था, अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, और अभी थोड़ा सा रेनोवेशन चल रही है छत पे। तो घूम लिया, मंदिर छोटा सा है लेकिन
वर्थ विजिटिंग है और काफ़ी लोग आ भी रखे हैं। कैसा लगा अंकित आपको मंदिर? बहुत अच्छा मंदिर है, आर्किटेक्चर भी बहुत ही मस्त बना हुआ है यहाँ का। हाँ अच्छा बना है, बहुत पुराना और देखने से पता लगता है कि हाँ अमेजिंग स्ट्रक्चर्स थे पुराने मंदिर वगैरह। हाँ ये देखो बहुत अच्छा मंदिर है और धूप बहुत अच्छी खिल रखी है। अब हम यहाँ से जाएंगे आगे बागेश्वर साइड, जहाँ पे हम देखेंगे सरयू और गोमती नदी का संगम, जो यहाँ से 22 किलोमीटर, ठीक है। और अभी रेस्ट ऑफ द डे यही करने वाले हैं और घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा इस एरिया को, ठीक है। मंदिर लोकेशन इतनी अच्छी है कि यहाँ से आपको सामने वही हिमालय रेंज अभी भी दिखती है और बहुत अच्छा व्यू है मंदिर से भी। ये देखो वो देखिए सामने। तो दोस्तों हो गए दर्शन मंदिर के अच्छे से एंड फोटोग्राफ्स भी काफ़ी ले लिए। अब जाएंगे अगले पड़ाव पे जो मैंने आपको बताया था। सो लेट्स गो। यहाँ पे एक मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं, आप अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम गणेश। गणेश ये मेरे सब्सक्राइबर हैं इस रीजन के। तो गणेश जी ने बताया कि इनकी भी ब्लॉगिंग करते हैं, आई थिंक इसी एरिया की ब्लॉगिंग करते हो, कहाँ की करते हो? पहाड़ पे। हाँ तो पहाड़ की वीडियो अगर देखनी है तो आप अपना चैनल बताओ प्लीज़। मेरा चैनल नाम गन्नू पहाड़ी ब्लॉग्स। गंगू पहाड़ी ब्लॉग्स, गन्नू पहाड़ी ब्लॉग्स। तो मैं डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा, इवन यहाँ पे स्क्रीन पे भी अभी हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ इनका चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और यहाँ की लेटेस्ट वीडियोस इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेदर लाइक वेदर कैसा है, क्या कंडीशन है, आ सकते नहीं आ सकते, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे, उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। गन्नू जी, अच्छा गणेश से गन्नू बनाया आपने, राइट? हम सब समझे ना, यूट्यूबर ऐसे समझ सकते हैं, यूट्यूबर की बात है। एक बहुत अच्छी लोकेशन है। खैर ये लोकेशन बहुत देर से आ रही है क्योंकि जहाँ से हम टूवर्ड्स बागेश्वर आ रहे थे नदी की स्ट्रीम, मतलब नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं और साइड में सरसों के खेत आ जा रहे हैं। तो फाइनली हमने रोक ही ली गाड़ी, तो दिखाते हैं आपको भी व्यू। ये देखो ये सरसों के खेत है, ये रोड है, ये हम दोस्त दोनों लगे पड़े हैं फ़ोटो खींचने में। और ये यहाँ से देखिए सामने ऊपर कौसानी वाली हिल्स है एंड देन ये स्टेप फार्मिंग, इसमें सारे में सरसों रखी है। तो ये कैमरा में भी इतना सुंदर ना आ रहा है बट ये एक्चुअली बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। और पीछे तो और बढ़िया बढ़िया खुली खुली रोड थी, पूरे जंगल का रास्ता वही है। सो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं बागेश्वर और बागेश्वर से अंदर ही सिटी से अंदर आके, मतलब टाउन से अंदर आके आपको ये जो पीछे एरिया है संगम जिसे कहते हैं, गोमती नदी और सरयू नदी का संगम होता है, तो यहाँ जाएंगे अभी हम। वहाँ शिव जी का मंदिर भी है और पार्किंग यहाँ भी अवेलेबल है, अच्छी बात ये है। तो उस पुल से आए हम क्रॉस करके एंड ये आगे तक और यहाँ ये संगम हो रहा है। और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो ये रहा मंदिर, देखो अभी हम जाएंगे मंदिर, ठीक है। बहुत साफ पानी है नदी का दोस्तों, क्या क्लियर पानी है यहाँ पे संगम पे। और नीचे आ गए हम नदी के एकदम पास और थोड़ा आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हम बागनाथ टेंपल जो है बागेश्वर के अंदर। तो थोड़ा सा मैंने आपको संगम दिखाया, अब एक्चुअली पीछे और भी कुछ है देखने के लिए जो मैंने लाइव किया था भी इंस्टाग्राम में, तो उसमें कवर किया है। बट इस मंदिर को पहले आपको घुमाते हैं फिर बाहर का पोर्शन दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखो बागनाथ जी का मंदिर, ये फ़ोन से एलर्जी है डॉग को, तो बेचारा फ़ोन देखते भाग जाता है। खेल रहा हो मेरे साथ। ये देखिए क्या बढ़िया मंदिर है। तो दोस्तों दर्शन हो गए हैं पूरे और अब चलेंगे आगे। आपको बताऊं ओ ये आप ये सरयू पुल से पार जाना, जीप जूस लगाओ वहाँ, बिल्कुल बढ़िया मिलेगा।
मटर किस लिए छील रहे हो? ये कल के भंडारे के लिए। अच्छा, कल के भंडारे के लिए सिर्फ मटर छीलना, बाकी क्या चीज है? मटर मटर छील लो कल भंडारे के लिए। पुलाव बनेगा ना? अच्छा अच्छा, बढ़िया है। ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी प्रतिमा है यहाँ पे, और इसी कोई कर दोस्तों, ये है सारा संगम का व्यू। तो ये लोकल मार्केट से होते हुए हम जा रहे हैं वो मिठाई की दुकान, तो बागेश्वर की छोटी सी मार्केट। तो मिठाई के लिए आ गए हम जेके स्वीट्स, यहाँ बन रहा है चाउमीन। देखो चाउमीन बन रहा है। डेली मिठाई दे रहा हूँ मैं, यहाँ चिंगूड़ी नहीं है ना, यहाँ रात में ले जाओगे आप पहाड़ी? हाँ हाँ, हम तो खुद ही पहाड़ रखते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, फेमस ज़्यादा हो ट्रेंड के ऊपर है। पुलिस ये बेकार जो आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ, ये तो शुरुआत है। गांधी जी भी आए थे उस टाइम में यहाँ, घुसाने रुके थे तो एक जमाने में। तो ये मतलब चाइना और तिब्बत का जो व्यापार होता था, इसका मेन हब था ही, यहाँ से खोड़ा और खचरों से व्यापार हुआ करता था। थैंक यू। आपका नाम? दीपक जोशी। दीपक जोशी जी, दीपक जोशी ने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताई यहाँ के बारे में, तो चलते हैं खाना ढूंढते हैं। थैंक यू जी। तो दोस्तों हमने मिठाई तो ले ली है, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी अभी कि ये नदी जो है ना, दो नदियों का संगम है, तीन नदियों का संगम है, तो सरयू, गोमती और तीसरी सरस्वती जो नीचे बह रही है, लुप्त होकर बह रही है वो, मतलब यहाँ नहीं दिखती बट नीचे है वो। तो जिस दिन कोई डेथ वगैरह नहीं होती तो उस दिन क्या करते हैं, घाट को खाली नहीं छोड़ते, यहाँ पे कंबल वगैरह वैसे ही जला देते हैं। तो ऐसा यहाँ का एक रिवाज है, मान्यता कह लो, रिवाज कह लो। सब लग गए भूख जबरदस्त तरीके से, अब खाना।